कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में हमें धीमा कर देती है पीढ़ी को लागू करने के लिए, वो है वो रुकावटें लागू करने में जो होती है। भिन्न भिन्न रुकावटें हो सकती है और यह आधारित हो सकती है कि आप कहाँ से आते हो, आपने सेवकाई कैसे आरंभ की, या आप किस फिरके के साथ में रहे हो, और परंपरा और ऐसी कुछ बातें। और आपको याद रखना है और आपको पता है कि परंपराएं लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और बदलाव को लाते हैं, विशेषता जब आप जवान पासवान हो, लोग शायद डरेंगे और भयभीत हो जाएंगे इस बात को लेकर कि आप कुछ तो भी नया करने वाले हैं, जैसे कि परंपरा में बदलाव और जिन चीज़ों को कई सालों से करते आ रहे उसमें बदलाव, और जो बदलाव आप लेकर आ रहे हैं उसके विरुद्ध में वो लड़ेंगे बगैर इसकी सही समझ के, और उसके लाभ को जो बदलाव आप लेकर आने वाले हैं उसके विषय। PD यानी पर्पस ड्रिवन, यह है गति का सिद्धांत, ताकि उनके आत्मिक चलन के बढ़ोतरी में उन्हें मदद मिले। प्राथमिक रूप से कलीसिया का जो स्वास्थ्य है यह स्थापित किया जाता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के। अगर वो व्यक्ति बलवंत होकर बढ़ता है, फिर परिवार और संबंध मजबूत होते हैं, फिर पूरी कलीसिया मजबूत होती है। इसका परंपराओं के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है, यह ना तो कोई फिरके से है, यह ना तो परंपरा से, ना ही थियोलॉजिकल है शिक्षाओं के अनुरूप देखे तो। आपको और हमें लोगों के अंदर के जो डर और अपेक्षाएं हैं उसे हमें निकालने की आवश्यकता है, विशेषता वे उन्हें कलीसिया वैसी पसंद है। अगर आप एक उच्चतम पारंपरिक कलीसिया से आते हैं जहां आपको लगता है कि लोग आसानी से बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आरंभ करें मध्य सप्ताह से, और आपकी जो बाहरी सेवा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप जाकर पीढ़ी को लागू कराते हो मध्य सप्ताह के बीच में, वो है आप कक्षाओं को लागू कर सकते हैं, आप छोटे छोटे झुंडों को ले सकते हैं, आप संबंध वाले सेवकाई को लागू कर सकते हैं, आप लोगों को सप्ताह के बीच की सेवा के लिए छोटे झुंडों के द्वारा सप्ताह के बीच की एक सेवा, आप कलीसिया के उद्देश्य को स्थापित कर सकते हैं। कलीसिया का उद्देश्य और व्यक्ति का प्रकाश उन छोटे से झुंडों में, और ये सभी वे सप्ताहांत को नहीं छुएंगे। सप्ताहांत में कलीसिया की मुख्य सेवा और मुख्य बात जो आप करना चाहते हो आप करते हो, ये तो किसी को भी नहीं छुएगी। दूसरा कार्य है, फिर आप धीरे धीरे उन बदलावों को लेकर आ सकते हैं, लागू करना उस पीढ़ी को, और फिर बाकी सारे लोग समय के उद्देश्य जिसमें शामिल है सभा के पहले और अंतिम में। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है वातावरण के विषय, वातावरण कक्षा शुरू होने के पहले का वातावरण या फिर सभा के पश्चात, लोग आपके कलीसिया में क्यों लौट कर आना चाहेंगे, उनको आपके कलीसिया में आना क्यों पसंद है। अधिकतर समय यह सभा के 5-10 मिनट पहले होता है और सभा के 8-10 मिनट पश्चात। उदाहरण के तौर पर बाहरी रूप से कैसा स्वागत किया जाता है, क्या सही मात्रा में जानकारी दी है, क्या वहाँ पर लाइटिंग सही है, क्या हमारे लोग आनंदित है, क्या वे खुश है, और ऐसी सारी बातों को मिलाकर आप वातावरण को बना सकते हैं। उनमें से ऐसे कुछ तरीके हैं। अब आप लक्ष्य बना सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि आप पीढ़ी कलीसिया बन सके। आराधना, सुसमाचार, प्रचार, शिष्यता, बाहरी रूप से जो किताबें रखी है उसके तौर पर यह लागू होती है जानकारी, और लोगों को तो इस प्रकार से बताया जाता है नए लोगों के लिए वे यहाँ पर क्यों है, उन्हें क्या करना है, वे आपसे किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। लोगों को सभा के पश्चात में भी उनके साथ जोड़े रखना, सभा का आपने आनंद उठाया, आपको कैसे लगा, क्या ऐसी कोई बात है जो आप लोग चाहते हो कि हम लोग हमारे साथ में, जो आपका अनुभव है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए सभा शुरू होने के पहले आपको तो उसे छूने की भी आवश्यकता नहीं है अगर वो सभा बहुत ही ज्यादा उच्चतम है। ऐसे कलीसिया जो मैं जानता हूँ जहाँ पर वो कहते हैं कि बदलाव को आप नहीं ला सकते हैं क्योंकि वहाँ घर पर या फिर वहाँ मुख्यालय में या फिर जहाँ कहीं क्यों ना हो, और हमें तो अनुमति चाहिए अगर कुछ बदलाव हम लाना चाहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि उद्देश्य प्रेरित होना परंपरा को बदलना नहीं है, ये तो प्राथमिकताओं को बदलना है, ये तो उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखना है, इसके बजाय कि किसी कार्यक्रम या फिर पॉलिस के दृष्टिकोण से। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझने लगे। मैं दो बातों को बताता हूँ। सबसे पहला, सप्ताह के बीच में बदलाव को लाए, वही आरंभ करें कक्षाओं के साथ, छोटे झुंड के साथ जिसमें शिक्षा शामिल हो। दूसरी बात, बदलाव को लेकर आए सभा के शुरू या अंत में। आप मुख्य सभा को स्पर्श भी नहीं कर रहे हो और आप पूर्णतः समर्पित पीढ़ी चर्च हो सकते हो, और आपकी कलीसिया के तरीके को भी ना बदलते हुए हो सकता है, क्योंकि ये संस्कृति और परंपरा के विषय नहीं है, ये प्राथमिकता के विषय है। ठीक है, तो आप इस विषय सोचिए और ना ही आप निराश हो और ना ही दिमाग बंद होता है, क्योंकि आप तो परंपरा वाले कलीसिया हो और आप तो धर्माध्यक्ष हो चर्च में,
आप कैरिस्मेटिक या पेंटिकोस्टल चर्च के हो, इसी रीति से आप आराधना करते हो, इसी रीति से आप सेवा भी करते हो, और इसके कारण आप नहीं कर सकते हैं पीढ़ी। नहीं 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 नहीं, आसानी से हार नहीं माने। इसको करने के कई तरीके, अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर मेरी मदद हो सकती है तो कृपया लिखें और हम इस विषय बात कर सकते हैं।